हाकतर हाफांग कंग्रेस फाइके सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल रसायन हरानी कग्रजा राहुल गांधी अबनी बगे लोकसभा जंगबारी कंग्रेस नो सपोर्ट खालायनाय एम एस सी ए बी लाइथांनाय 11 मार्च सालो अबनतुई कंग्रेस बदलनी आजुफां राहुल गांधी ते एम एस सी ए बी मथानी आदंरंनि बिसिंग खालायजाखा सैमारी गोनां कायसा सुमाय तांसालो आगरतला प्रेस क्लाब कासा कक्तुम पांडारिंगै अकक्तुमा साखलायखा एम एस सी ए बी नि चेयरमैन प्रदोत किशोर देवबर्मा कंग्रेस बदल हाकतर हाफांग तुबुखे सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल रसायन हरनानी कग्रखा राहुल गांधी लाइथांग 11 मार्च सालो सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल फरेस्ट राइट ते कंबरक कंगन रोमान स्क्री बाय सिनेनि सानमुंनो तुये कंग्रेस बदलनि आजुफां राहुल गांधी ते एम ए सी ए बी मथानि आदंरगनि बिसिंग खालायजाखा सैमारि गोनां कायसा सुमाय दिल्ली ने अकक जा पांडाव राहुल गांधी नो कारीब मानजाखा हास्ते कांग्रेस नि इनचार्ज एम ए सी ए बी नि चेयरमैन महाराजा प्रदोत विक्रम किशोर देवबर्मा ते एम ए सी ए बी नि वाइस चेयरमैन विजय कुमार रांखल आकसं तांगसालो आगरतला प्रेस क्लाब कायसा कक्तुम पांडारिंगै अकक्तुमा साखलायखा एम ए सी ए बी नि चेयरमैन प्रदोत किशोर देवबर्मा अबनी बगैन हास्ते ने कई लोकसभा चंबारी आसुक थायन कंग्रेस बदल ने बतायन रगन खापुर मूंगा फरना एम ए सी ए बी शाखा मूवमेंट फॉर एगेंस्ट सिटीजनशिप एमेंडमेंट बिल मथानी चेयरमैन प्रदोत किशोर देवबर्मा मेंबर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हम सब शामिल हो रहे हैं एक अनाउंसमेंट करने के लिए कि मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल विच इज अ ग्रुप which comprises of different organizations, different political parties, members of civil society, as well as student federations, ने decide किया है कि हम आने वाले लोकसभा election में Congress के candidate को support करेंगे। थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करना चाहता हूँ, ये सपोर्ट अनकंडीशनल नहीं है। मैं कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी हूँ और मैं चेयरमैन भी हूँ मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का। तो आज से 7 से 10 दिन पहले मेंबर्स ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट सिटीजनशिप बिल, जिसमें एनसीटी है, आईपीएफटी तिब्रहा है, नेसो है, टीएसएफ है, टीला है, टीयूआईपीसी है, एनईआईडीपी है, इंजीनियर्स एसोसिएशन है और बहुत त्रिपुरा क्षत्रिय समाज है, दफा यक्षमा बदल है और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो जाकर उनका मीटिंग राहुल गांधी के संग हुआ था और अपने एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ऑफ त्रिपुरा लुइजियन ऑफ लेरियो। उस मीटिंग में जो डिमांड्स एमएससीएबी ने पूछा था कि कांग्रेस अगर अश्योरेंस देती है इन राइटिंग, तब एमएससीएबी और सिविल सोसाइटी का सपोर्ट कांग्रेस पार्टी के संग रहेगा। मेन इशू था कि दैट आप सिर्फ वॉकआउट नहीं कर सकते हो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, सिर्फ पार्लियामेंट में वेल के सामने प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको, जिसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी को, इन राइटिंग ये कमिटमेंट देना होगा कि कांग्रेस पार्टी जब पावर में आएगी तो ये कॉन्सेप्ट है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का, उसको स्क्रैप कर फेंक दी। राहुल गांधी खुमुलुंग में आए, वहाँ में मेंबर्स ऑफ द एमएसीएबी थे। अगर आपने नोटिस भी किया होगा तो राहुल गांधी ने दूसरे मंच में कहा था कि आई मेट रीजनल पार्टीज एंड सिविल सोसाइटी मेंबर्स, और वो कमिटमेंट राहुल गांधी ने अपने स्पीच में सबके सामने कह भी दिया। और भी बहुत डिमांड्स थे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द TNVA-TTF अकॉर्ड, फॉरेस्ट बिल। सब लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट बिल बहुत डेंजरस बिल है, क्योंकि स्क्रैपिंग ऑफ फॉरेस्ट बिल हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था। ये फॉरेस्ट बिल, जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ था दिल्ली में, एनजीओ ने फाइल किया था, लेकिन जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ था,
गवर्नमेंट का सीनियर काउंसिल वॉज नॉट प्रेजेंट इन द कोर्ट। इसका यही मतलब है कि एक मैच फिक्सिंग हो रहा था लगता है। कांग्रेस पार्टी ने MACAB को अश्योरेंस दिया है कि 2006 फॉरेस्ट एक्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको वो चैलेंज करेगी। कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा से भी चैलेंज करेगी। छत्तीसगढ़ में जहां में कांग्रेस का सरकार है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट्स हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ रिव्यू पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट इन दिस ऑर्डर। आज हाल ने कोकथुम पांडव मानजाखा MACAB नि मथानि आदं अनिमेश देवर्मा विजय देवर्मा अगुर देवर्मा रंजित देवर्मा विश्वजित कलयते डेविड मुरा सिंह आकसं राजखर आगुलिनि सिमि प्रणबनि कोकथुम सिनि खरां।